सो फ्रेंड्स, आज मैंने फ्रिज खोला और देखा कि सारा सामान ख़राब हो रहा है जो कि मुझे रोज़ चाहिए होता है। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नीम का पत्ता, धनिया, इसको हम ज़्यादा दिन फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वारंटाइन के दौरान हमें ज़्यादा मार्केट नहीं जा पा रहे हैं या मिल नहीं पा रही है, इसलिए मैंने एक क्विक तरीका निकाला है कि मैं क्यों ना इन सबको पेस्ट करके फ्रिज में रख दूँ और रोज़ सब्जी, दाल या कोई भी ग्रेवी में या कढ़ी में मैं ये मिक्स को डाल सकती हूँ। झटपट एक लुक लेते हैं। आपके पास जितनी भी हरी मिर्च हो जो आपको लग रहा है ख़राब हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप सारा प्रपोर्शन ले लें। ऐसा ना हो कि हरी मिर्च बहुत ज़्यादा हो जाए या लहसुन बहुत ज़्यादा हो जाए। जो भी चीज़ आपकी जब सबसे पहले ख़राब हो रही है, उसी के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग दूसरे सभी चीज़ों को ले लें। मैंने 2 इंच का जिंजर रूट लिया है, करीब 12-15 हरे मिर्च हैं, एक पूरा बंच लहसुन का है, नीम का पत्ता है, और जितना भी हरा धनिया ख़राब हो रहा था मैंने उसको भी वॉश करके ले लिया है। अब मैं इन सबको एक साथ ग्राइंड करके थोड़ा ऑयल मिक्स कर दूंगी और उसको आप फ्रीज में 7 से 10 दिन तक रख सकते हैं। बट यदि आप उसी को फ्रीज़र में सेव करेंगे तो वो एटलीस्ट 2 से 3 हफ्तों तक चलना चाहिए। मैंने सभी चीज़ों को ग्राइंडर में ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बट आप सभी के लिए, अगर आपका ग्राइंडर बहुत अच्छा है तो आपको जितना कम पानी डाल सके आप उसको इसके साथ पीस लें, क्योंकि पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही जल्दी ख़राब होगा। ग्राइंडर में इसे पीस लेने के बाद एक कांच के बॉल में निकालें। कांच का बॉल में ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है। इसमें मैं 2 से 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल की लेयर ऊपर की साइड डालूंगी। उसको मिक्स नहीं करना है, बस ऊपर की एक लेयर को ऑयल की बनाए रखना है ताकि ऊपर कोई फंगस या वैसा नहीं लग सके। मैं 2 से 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल के ऊपर लेयर बना रही हूँ। इसको अच्छे से ऑयल की लेयर को अच्छे से फैला लें। कांच का कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें और इसे लॉक करके फ्रीज में रख दें, जो कि आपका 8 से 10 दिन तक सेफ रहेगा। आप थोड़ा सा पेस्ट लेके कुकिंग में रोज ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यदि इसको फ्रीज़र में रखना चाहें तो ये 2 से 3 हफ्ते तक आपको चलेगा और आपको नेक्स्ट ग्रॉसरी आने तक हेल्पफुल रहेगा। इन द सिमिलर वे मेरे पास एक ही प्याज बचा था और 2 ही टमाटर बचे थे, जिसको मैं सभी डिशेस में ऐड नहीं कर सकती थी। जैसा कि आप सबको पता है, प्याज हम काट के फ्रिज में नहीं रख सकते, तो इट्स हार्ड टू डिसाइड कि किस में डालें किस में ना डालें। जस्ट मैंने प्याज को भी रफली चॉप कर लिया है, टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया है। इसको भी सिमिलर वे में हम मिक्सर में ग्राइंड करके रख लेंगे, क्योंकि टमाटर जूसी है इसलिए पानी ऐड नहीं करेंगे इस बार। और आप चाहें तो प्याज और टमाटर के साथ सभी चीज़ें मिक्स एक साथ कर सकते हैं, लाइक जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली एंड एवरीथिंग। सब इसको भी हम ग्राइंडर में लेके प्यूरे बना लेंगे। प्याज और टमाटर को भी अच्छा ग्राइंड करके मैं सिमिलरली एक कांच के कंटेनर में रख दूंगी, क्योंकि टमाटर काफ़ी जूसी हैं। हमें इसमें ऑयल का लेयर डालने का ज़रूरत नहीं है, वैसे ही इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ बेस्ट टू कीप इन द फ्रीज़र, क्योंकि फ्रिज में शायद 3 से 4 दिन ही चले। यही कारण है कि मैं दोनों को अलग अलग, प्याज और टमाटर और बाकी सारी चीज़ों को दो अलग अलग प्यूरे करती हूँ, क्योंकि टमाटर के साथ जो भी हम डालते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है फ्रिज में। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग प्यूरे बनाया है। और ये भी है कि हम प्याज और टमाटर सभी चीज़ों में नहीं डालते हैं, जिसमें लगता है आप उसमें डालें और जिसमें नहीं लगता है आप दोनों पेस्ट को सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हमने एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीज में रख देंगे। फ्रिज में 3 से 4 दिन चलेगा, फ्रीज़र में 1 हफ्ते तक चल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, माय वर्जन ऑफ इट। थैंक यू सो मच।